So welcome to this another college review. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ IBS Mumbai, which is known as ICFI Business School. वैसे तो बहुत सारे कैंपसेस हैं हर जिले में, हर शहर में आपको कॉलेज मिल जाएगा. But after Hyderabad, I think this is the second college जो IB सेट देने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. पर आई थिंक हर वीडियो को बनाने से पहले आई इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स, सो आई गिव यू माय पर्सपेक्टिव वेदर यू शुड टेक दिस कॉलेज और नॉट. सो लेट्स बिगिन. So welcome back to this episode and I think this is my notes ka pitara where I put all the choti choti baatein jo main students se poochti hoon. So I think IBS Mumbai jo hai that offers PGPM, okay? मैंने कई सारी इससे पहले भी IBS Mumbai पर वीडियो बनाई है जहां हमने बात की है 1000 स्टूडेंट्स का इंटेक, बट मैंने इस एपिसोड के लिए आई थिंक आई हैव इंटरेक्टेड विद टू स्टूडेंट्स जो 23 में एनरोल हुए हैं और उनका बैच साइज 1250 बच्चों का है. इट्स नॉट इवन 1000, इट्स 1250. यस 1250 एंड जस्ट फॉर PGPM. They offer PGPM, which is basically a certificate course. It's not even PGDM, it's not MBA. तो अगर आप, I mean, IBS के कई सारे colleges MBA भी कराते हैं, कुछ PGDM भी कराते हैं, पर IBS Mumbai जो है वो PGPM कराता है, जहां पे पहले intake जो है 1000 के near about students थे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनके जो जूनियर का बैच है वो 1000 बैच के साइज था, अगर हम 24 में जो बैच पास आउट हुआ है, बट इस साल जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं दैट वाज 1250. कॉलेज पवई अपोजिट टू हीरा नंदानी हॉस्पिटल के पास लोकेटेड है. कॉलेज का खुद का कैंपस, मतलब हॉस्टल तो नहीं है, इट्स नॉट अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, बट यू फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू PGs, फ्लैट्स, सॉरी PGs एंड फ्लैट्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो दिस इज बेसिकली IBS Mumbai. Right. We'll talk in details ki kaisa college hai. I'll request you all to watch the complete episode. Aur main apni har video mein yahi kehti hoon, kisi bhi college ko join karne se pehle ye dekho ki aapki profile kya hai aur aapki profile ke hisab se आपको वो कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. अगर आप डाउट में हो, आप स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहते हो, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हो. सो अगर मैं बात करूं 1995, ये सारे ही, अगर आप हैदराबाद चेक करोगे तो भी यही एस्टेब्लिशमेंट है, आप अहमदाबाद वाला कैंपस चेक करोगे तो भी यही एस्टैब्लिशमेंट ईयर मेंशन है. तो हर जगह एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो आपको कॉमन मिलेगा. तो ये कॉलेज जो है वो पवई मुंबई, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 1.83 एकर्स में स्प्रेड है. देन आईबी सेट एंड मैट कैट जैट जीमैट एक्सेप्ट करता है एंड दे ऑफर PGPM. राइट, फी स्ट्रक्चर 9,09,000 दी हुई है, बट आई थिंक मैंने जो स्टूडेंट से बात की है उनके अकॉर्डिंगली जो है फीस थोड़ा सा इंक्रीज है, तो हम वो भी थोड़ा सा देखेंगे. नाउ हाइलाइट्स के बाद रैंकिंग, कई सारी रैंकिंग्स में कॉलेजेस आते हैं, पर मैं हमेशा कहती हूँ आप टीयर 3 या टीयर 5 कैटेगरी का भी कॉलेज उठाओगे वो भी किसी ना किसी रैंकिंग में आएगा. तो रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर टू लुक फॉर दिस कॉलेज. आई थिंक कट ऑफ दिया है, देयर इज नो सच कट ऑफ. राइट, 1250 बच्चे भरने, जस्ट दैट कॉम्स ठीक ठाक है, अकेडमिक्स ठीक ठाक है, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा. आईबी सेट में भले नंबर कुछ भी हो, तो इट रियली इज बुलशिट. इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम, ये बेसिकली क्या होता है, ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है वेयर यू ट्रेवल टू ऑल दीज कंट्रीज. दिस इज नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स बट फॉर सिलेक्टिव स्टूडेंट्स. सो दैट इज बेसिकली द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जिनके साथ कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ग्रेजुएशन 50% आई हो सकता है ये पीजी, देन उसके बाद आप एंट्रेंस देते हो. बहुत सारे बच्चे जो इस कॉलेज में एनरोल करते हैं दैट इज थ्रू आईबी सेट फॉर श्योर. एंड आईबी सेट के बाद कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू होता है. पहले क्या होता था, यू गो टू हैदराबाद कैंपस एंड देन यू गेट दी ऑफर लेटर्स, बट आफ्टर कोविड कुछ साल ऑनलाइन प्रोसेस रहा, इस साल क्या रहता है दैट वी नीड टू सी. सो दैट इज बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एडमिशन इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज, बस ये होता है कि अगर आप आईबी सेट में टॉप करते हो देन इन दैट केस आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका कहीं आरओआई मिल जाता है. मैं अगेन कह रही हूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज्यादा वो नहीं है. स्टूडेंट से मैंने बैच साइज के बारे में के अलावा बात की, तो फीस जो है
वो नियर अबाउट 10 लाख के आसपास से 10 लाख या यू नो 10 लाख 40,000 के आसपास. आप अगर फ्लैट में शेयरिंग करते हो 2 BHK का फ्लैट यू नो और सारी चीजें, आप ये मान के चलो आपको अराउंड 15,000 से 16,000 रुपए का खर्चा पड़ेगा वहां रहने के लिए, तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए जो है नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए आप यू नो ये मान लो 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो आपका 14-15 लाख रुपए टोटल बैठ जाएगा अगर आप इस कॉलेज से अपना PGPM कंप्लीट करते हो फॉर द 2 ईयर कोर्स. स्टूडेंट का ये कहना है दैट फैकल्टीज बहुत अच्छे, जैसे दे हैव दिस यू नो समर इंटर्नशिप SIP के अलावा, दे हैव दिस कॉर्पोरेट कनेक्ट ऑल्सो जहां पे आपको लाइव प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, राइट, एंड स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पे काफी ज्यादा सीखने को कहीं ना कहीं मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो देयर. प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का कहना है कि अभी हम जो 24 बैच पास आउट हो रहा है उसमें 50% प्लेसमेंट्स हो चुके हैं, पर स्टिल जो एवरेज पैकेज है वो 6 लाख के आसपास है, लोएस्ट 4.5-5 के आसपास होगा. मार्केटिंग के लिए कंपनी ज्यादा है, कोर फाइनेंस के लिए कंपनीज बहुत ही कम है, तो अगर आप फाइनेंस देख रहे हो तो दिस कॉलेज इज नॉट फॉर यू. मार्केटिंग देख रहे हो आप कंसिडर कर सकते हो, बट मार्केटिंग में भी सेल्स कंपनीज थोड़ी ज्यादा है, राइट. इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी अच्छे से, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए भी 65 के नियर अबाउट कंपनीज आ चुकी हैं, पर स्टूडेंट का यह कहना है बिकॉज ऑफ क्राउड इनटेक इतना ज्यादा है, I won't recommend this college to other students. अगर आप, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, कंपनीज आ रही हैं, they have multiple options to choose, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है. एंड जिन कॉलेजेस के इनटेक ज्यादा होते हैं वहां पे एक और प्रॉब्लम ये होती है कि लेट्स से मैं अपनी बात करूं, मैं इस कॉलेज के अंदर हूं और मैंने लोन लिया है, मुझे एक क्यूरियोसिटी है और एक टेंशन है कि मुझे जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट लेना है ताकि मैं अपनी EMI पे कर सकूं. एक कंपनी आई कॉल्ड EY, वो 7 लाख का पैकेज लेकर आई, मुझे लगा कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैंने पार्टिसिपेट कर लिया. एंड देन फ्यूचर में एक कंपनी आई जिसका पैकेज हो सकता है और ज्यादा हो, पर मैं उस कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगी. बीइंग अ कॉलेज जिसका इंटेक ज्यादा है वहां पे एक स्टूडेंट को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती. यहाँ पे जो अच्छे स्टूडेंट है वो सफर कर रहे होते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स के साथ भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू रहता है. सो प्लेसमेंट्स में दे आर, और इस साल 6 लाख का, वैसे 7-8 लाख का एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का, बट इस साल का 6 लाख का भी नियर अबाउट इसलिए है क्योंकि रिसेशन का भी टाइम चल रहा है. तो 23 का प्लेसमेंट की ये बात करें 98% प्लेसमेंट है. प्लेसमेंट के लिए कंपनीज बहुत सारी आती हैं, दैट इज फॉर श्योर, इंटर्नशिप के लिए भी आती है, बट समवेयर अगर आपकी CGPA अच्छे नहीं है, अगर आप टॉप 50% 40% ऑफ द बैच में नहीं है, तो आपके लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी. कई सारे बच्चे प्लेस होते हैं बट अगेन फिर एंड में क्या होता है 4 लाख 4.5 ऑफर, आपको ROI कहीं ना कहीं नहीं मिलता है. तो 98% प्लेसमेंट दोनों ही साल रहा है 2022 और 2023 में. अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें 2022 में 7 लाख क्लेम करें, 2023 में 8,13,000 क्लेम करें, बट स्टूडेंट के हिसाब से यू नो 6-7 लाख के अराउंड नियर एवरेज पैकेज है. हाईएस्ट में नेशनल जो है वो 18,80,000 का था 2023 में, 22 में 15 लाख के आसपास का था, एंड इंटरनेशनल 53.45 लाख का था 22 में, एंड 23 में यू नो दे हैव मेंशन 11 इट माइट कैन बी 1 point something, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर है क्योंकि 11,13,000 ये तो बहुत ही कम है, नेशनल से भी कम है, माइट बी ये थोड़ा ज्यादा होगा. एंड ये टॉप 10% एंड टॉप 20% 25% की एवरेज सैलरी कहीं ना कहीं मेंशन है. कंपनीज आती हैं KPMG, EY, Deloitte, सेल्स कंपनीज, बैंक्स में HDFC, ICICI, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट मोर इनटू दिस मार्केटिंग साइड and competition is there. Faculties अच्छे हैं, curriculum अच्छा है, they have these activities, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा activities, but clubs and सारी चीज़ें जो हैं वो operate कर रही होती हैं. I really liked about one good thing of this college की faculties बहुत अच्छे. क्यों अच्छे हैं मैं आपको बताती हूँ. मैंने last year कुछ interns hire किए थे from this college because they were based out of Bhopal. तो उनकी जो faculties हैं they keep on taking follow with the company कि अच्छा candidate कैसा perform कर रहा है, क्या कर रहा है. तो जो एक होता है ना कि यू नो दे आर सीरियस फॉर द कैंडिडेट्स, ये एक अच्छी चीज है विच आई पर्सनली फेल्ट, राइट. सो ये टॉप रिक्रूटर्स हैं एंड क्लब्स, मार्केटिंग क्लब्स, फाइनेंस क्लब, ये सारे क्लब्स आपको मिल जाएंगे. ऑल इन ऑल स्टूडेंट से मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन करती हूँ कि आप ये कॉलेज सजेस्ट करोगे, तो स्टूडेंट ने कहा कि लुकिंग एट द बैच साइज एंड द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग, आई नॉट सजेस्ट, आई नॉट रिकमेंड दिस स्पेसिफिक कॉलेज टू दी स्टूडेंट्स. बाकी पढ़ाई वाइज, एक्टिविटीज वाइज अच्छा है कॉलेज, वो चीजें हैं, पर क्योंकि एंड ऑफ द डे फाइनेंस में
और कोर प्रोफाइल्स में इतने सारे बच्चों में चीजें नहीं हो पाती हैं, तो दैट इज द रीजन ही एंड शी आई थिंक आउट ऑफ फाइव three said the same thing. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.